Good evening, dear students. So today in maths we are doing new chapter, that is chapter number 6, fun with give and take. है ना, हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में गिव एंड टेक के बारे में पढ़ा है. सो इसमें अब हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, जो आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के देन सॉल्व करना होगा. ओके, सो व्हाट इट इज़ रिटन, क्रिकेट मैच. इन अ क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 235 रन्स. एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन्स बनाए. एंड इंडिया हैज़ मेड 123 रन्स. इंडिया ने कितने बनाए, 123 रन्स. हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन. अब इसमें पूछ रहे हैं इंडिया को कितने रन्स चाहिएंगे जीतने के लिए या श्रीलंका से ज़्यादा बनाने के लिए, है ना. सो आपको पता है, आप सब क्रिकेट मैच देखते हो, है ना, बॉयज़ को तो पता ही होगा कि सामने वाली ऑपोजिंग टीम ने कोई रन बनाए हैं तो हमें जीतने के लिए उससे एक रन ज़्यादा चाहिए होता है. ठीक है, सो सबसे पहले इधर क्या लिखा है, टू विन इंडिया मस्ट मेक 236 रन्स, क्योंकि श्रीलंका ने कितने बनाए थे, 235 रन्स. तो इंडिया को कितने बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए, 236 रन्स. अब आप कैसे करोगे कि अभी 123 बनाए और 236 बनाने. सो रन इंडिया नीड्स टू विन क्या लिखोगे, 236 बनाने हैं, उसमें से माइनस करवा देंगे. अभी उनने कितने बनाए रिसेंटली, 123. सो 6 माइनस 3 इज 3, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1. सो अभी उनको कितने रन्स चाहिए, मोर 113 रन्स मोर टू विन द मैच. जैसे यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, देखिए कैसे लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, उसके बाद कैसे लिखोगे, रन्स टू विन कितने रन्स चाहिए उनको, 236 रन्स बाय इंडिया या रन्स मेड बाय इंडिया. अभी तक कितने बने हैं, 123 रन्स. नीडेड मतलब कितने और चाहिए, सो आप उसमें से माइनस कर दोगे. आप हमेशा, मैंने क्या बताया है, ज़्यादा चीज़ में से कम वैल्यू माइनस करते हैं. कभी भी हम कम में से बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल. सो 236 उनको चाहिए माइनस 123. ओके, दिस इज़ वन क्वेश्चन विच इज़ ऑन पेज नंबर 76. ओके, नाउ दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन, ट्राई इट योर सेल्फ. खुद से करने के लिए बोला है. गीता हैड रुपीज़ 368 इन हर पर्स. गीता के पास 368 रुपीज़ हैं उसके पर्स में. शी बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 123. उसने बुक कितने की खरीदी, 123 की. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स. अब उसके पास, उसके पर्स में कितने पैसे बचे होंगे, है ना. जैसे आपकी मम्मी भी कुछ पैसे देती है और उसमें से आप कुछ सामान खरीद के लाते हो, फिर कुछ पैसे बच जाते हैं आपके पास, है ना. तो इसमें क्वेश्चन भी पूछना है, गैस भी करना है. मनी लेफ्ट इन गीताज पर्स इज मोर देन 200 और लेस देन 200. ये हमने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है, चैप्टर 3 में, मोर और लेस क्या होता है. मोर मतलब ज़्यादा और लेस मतलब कम. तो पूछ रहे हैं गेस करना है, मोर मतलब मोर देन 200 है, ज़्यादा है 200 से, या लेस देन 200 है, 200 से कम है. ठीक है, तो आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस नंबर्स को प्लेस करेंगे. उसके पास कितने थे, 368. तो आपको पता है प्लेस वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वंस, टेंस एंड देन हंड्रेड्स. तो 368 थे माइनस 123 उसने बुक खरीद ली. तो आप माइनस कर दो, 8 में से 3 गया इज 5, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 3 माइनस 1 इज 2. तो कितने बचे उसके पास पैसे, पर्स में 245 बचे, है ना. कॉस्ट ऑफ बुक माइनस कर दिया, मनी इन गीताज पर्स वॉज 368. कॉस्ट ऑफ बुक माइनस कर दी तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मनी लेफ्ट इन हर पर्स इज रुपीज़ 245. और बाद में आप गैस का क्या लिखोगे, मनी लेफ्ट इन गीताज पर्स इज, आपको गैस करके बताना है मोर देन है या लेस देन है. 245 क्या है, मोर देन 200. ओके,